हिमाचल के पूर्व डीजीपी और नागालैंड मणिपुर के पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। उन्होंने शिमला स्थित घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जो पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि वह डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अश्विनी कुमार 1973 बैच के आईपीएस अफसर थे। वो नागालैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। पूर्व सीबीआई चीफ और हिमाचल के पूर्व डीजीपी अश्विनी कुमार ने बुधवार को खुदकुशी की। बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। शिमला के एसपी मोहित चावला ने इस घटना की पुष्टि की है और कहा कि यह चौंकाने वाला मामला है। चावला ने कहा कि पुलिस अफसरों के लिए अश्विनी कुमार रोल मॉडल थे। बताते चले कि शिमला स्थित ब्रोक होस्ट स्थित आवास में अश्विनी कुमार का शव लटका हुआ पाया गया। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें लिखा गया है कि जिंदगी से तंग आकर अगली यात्रा पर निकल रहा हूं। अश्विनी कुमार मार्च 2013 से जून 2014 तक नागालैंड के गवर्नर थे। 2013 में थोड़े समय के लिए मणिपुर के गवर्नर भी रहे। अगस्त 2006 से जुलाई 2008 के बीच वे हिमाचल प्रदेश के डीजीपी रहे। 2 अगस्त 2008 से 30 नवंबर 2010 के बीच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर के पद पर रहे थे। इस दौरान अमित शाह को शोहराबुद्दीन शेख के फर्जी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। 1985 में शिमला के एसपी रहते हुए अश्विनी कुमार को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में अपॉइंट भी किया गया। 1985 से 1990 तक उन्होंने एसपीजी में कई पदों पर काम किया है। वे पीएमओ में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके थे। उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए भी काम किया है। अश्विनी कुमार का जन्म 15 नवंबर 1950 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में हुआ था। उन्होंने किन्नौर जिले के कोठी गांव के पास सरकारी प्राइमरी स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून और बिलासपुर के सरकारी कॉलेज से पढ़ाई की। उनका ग्रेजुएशन हिमाचल प्रदेश के नाहन स्थित सरकारी कॉलेज से हुआ। उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में पीएचडी की थी। आज शाम को करीब 7-10 बजे ऐसा हुआ कि अश्विनी कुमार जी के बेटा और बहू जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो वॉक के लिए जा रहे थे। तो शाम को नॉर्मली अश्विनी कुमार जी एटिक में मेडिटेट करते हैं, तो उन्होंने देखा कि लॉक है अंदर से, तो उन्होंने फोर्सफुली इसको तोड़ा। एक दरवाज़ा तोड़ा, दूसरा दरवाज़ा तोड़ा, तीसरा खुला हुआ था। उन्होंने देखा कि उनके पिताजी और जो फादर इन लॉ वो रस्से पे हैंग कर रहे थे, तो उन्होंने रस्सा काटा, उनको बॉडी को नीचे लाया। अश्विनी कुमार जी आज शाम को दोपहर और शाम के बीच में वॉक भी करने गए मॉल पे, कालीबाड़ी पे। उन्होंने कालीगाड़ी पे गए, उनकी वाइफ ने ऐसा बताया। और अभी बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया है और सारी चीज़ों की हम फर्द बना रहे हैं, सीजर बना रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम की फोटोग्राफी भी है, एफएसएल टीम भी इंस्पेक्ट करके चली गई है। और अब हम कार्रवाई करके बयान लिख के 174 की इसको बॉडी को हम मॉर्चुरी में ले जाएंगे और कल सुबह इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। सर, कोई सुसाइड नोट मिला है? और सुसाइड नोट में इन्होंने बेसिकली बिकॉज ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी लिखा है और किसी को ब्लेम नहीं किया। और फैमिली ने भी कोई फाउल प्ले सस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि फैमिली तो घर के अंदर ही थी। और फैमिली का कहना है दोपहर को हमने खाना इकट्ठा खाया है और हम साथ साथ ही थे और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इसमें हम जो एज पर जो लॉ है इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई कर रहे हैं। सी, दिस इज मैटर ऑफ डिटेल। राइट नाउ ये कहना उचित रहेगा कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा, एक लूसिड सुसाइड नोट लिखा और उसमें किसी को उन्होंने दोषी नहीं करार किया है। और बाकी मैंने जैसे आपको बताया एफएसएल की टीम इंस्पेक्ट करके चली गई है, हमारे फोटोग्राफर ने क्राइम सीन को फोटोग्राफ किया है, हमने सारी चीज़ों की फर्द ली है। रस्सी जो है चार जगह से कटी हुई थी, उसकी जो लैडर उन्होंने यूज़ किया है, बाकी जितने भी आइटम्स इसमें सुसाइड में इन्वॉल्व थे उनको सब हम सीजर में से ले रहे हैं। अभी हम फैमिली के बयान लिख रहे हैं ताकि कानूनी कार्रवाई आगे।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।